हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू 360 के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RPF के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ग्रुप सी और ग्रुप डी कांस्टेबल रिजल्ट को लेकर कि कितने क्या कैंडिडेट को PET के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, क्या सेकंड लिस्ट आएगी, उस विषय में भी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और कितने नंबर पर कैंडिडेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाने पर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वही सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, बहुत से कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर, आप हमें जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की PDF है उसकी दोस्तों लिंक दे दीजिए। दोस्तों, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की, क्योंकि जो ऑफिशियली कांस्टेबल RPF की कांस्टेबल वेबसाइट है दोस्तों, उस पर सर्वर काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है। तो इसी कंडीशन में ग्रुप सी और ग्रुप डी का यहाँ से दोस्तों रिजल्ट की जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वह डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी थी 1287 मेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी, और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी 1391। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी यहाँ पर 2678 वैकेंसी थी, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों 27453 कैंडिडेट को PET के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। मतलब दोस्तों, जो वैकेंसी थी उसके 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है PET के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड लिस्ट की। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम उम्मीद है कि सेकंड लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि दोस्तों जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया था उसमें पहले ही कह दिया गया था कि जो रिक्तियाँ होती हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट को PET के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी की जाए। और दोस्तों, इसका जो PET होना है ग्रुप सी का, वह होना है 3rd week of April, मतलब 30 सप्ताह में PET इसका दोस्तों चालू हो जाएगा। अब नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों, 85 वाले जनरल के बहुत से मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर दोस्तों सिलेक्टेड हुए हैं, पर 84 वाले बहुत से कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फायदा उन कैंडिडेट को मिला है जिनके 85 नंबर आए, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके नंबर बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को मैंने सिंपली भाषा में समझा देता हूँ कि जो हार्ड शिफ्ट होती है वहाँ पर दोस्तों कम नंबर बढ़ेंगे, जो ईजी नहीं जो हार्ड शिफ्ट है उसमें काफ़ी नंबर बढ़ेंगे, और जो ईजी शिफ्ट है उसमें बहुत ही कम नंबर आपको बढ़ने के चांस होते हैं। अब OBC का दोस्तों, यहाँ पर 87.6 नंबर वाले कैंडिडेट भी काफ़ी मात्रा में सेलेक्ट हुए हैं। SC में बात करते हैं तो 75 नंबर वाले कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुए हैं, और 72 वाले भी सिलेक्ट हुए हैं, पर बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो 74 नंबर लाने के बाद सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स नहीं बढ़े हैं। अब बात करते हैं ST में, तो 72 नंबर वाले कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुए हैं। अब फीमेल की बात कर ले तो 70 नंबर वाली फीमेल भी सिलेक्ट हुए हैं, पर जो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो 68 नंबर लाने के बाद भी फीमेल कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट हो पाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उनको जरूर नंबर नहीं बढ़े होंगे। OBC में दोस्तों 63 नंबर लाने पर कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं फीमेल कैंडिडेट में। ST SC के दोस्तों भी आंकड़े नहीं आए हैं मेरे पास। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी में, मेल कैंडिडेट की संख्या थी 1046 और फीमेल कैंडिडेट की संख्या थी यहाँ पर 1006। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी यहाँ पर 2052, जिसके लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट किए गए 21771। मतलब दोस्तों 10 गुना यहाँ पर भी कैंडिडेट को यहाँ पर PET के लिए बुला लिया गया है। अब यहाँ पर सेकंड लिस्ट आने के चांस दोस्तों 10% रहेंगे, बहुत ही कम चांस है कि सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी की जाए। और यहाँ का दोस्तों इसका PET होना है ग्रुप डी का, वह भी 3rd week of April में ही किया जाएगा, तो शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप डी में कितने नंबर वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। जनरल से 94 नंबर वाले बहुत से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, पर 88 नंबर वाले कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा हो गया है। OBC में 85 वाले, SC में 80 वाले, और ST में 73 वाले, और जनरल फीमेल की बात करते हैं तो 67 नंबर वाले कैंडिडेट यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कम नंबर, ज़्यादा नंबर भी लाए थे, रो मार्क्स ज़्यादा लाए थे, पर बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो रो मार्क्स कम लाए थे, बट नॉमिनेशन के बाद उनको ज़्यादा फायदा मिल गया है, तो उस कंडीशन में वे लोग सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो दोस्तों, आप इसकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो PDF है मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।